नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। पाकिस्तान में सैलाब और शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है, वहीं दीगर वबाई अमराज भी एक खतरा बनकर अवाम के सर पर मंडलाने लगे हैं। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी डेंगू ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है और इस वक्त खतरनाक हद तक अस्पतालों में डेंगू के मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। सिंध समेत तमाम सूबों में इस बीमारी ने अवाम को अपनी लपेट में ले रखा है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। तिब्बी माहिरीन की मुत्तफिका राय के मुताबिक डेंगू फैलाने वाले मच्छर की अफजाइश साफ खड़े पानी में होती है। मूनसून बारिशों के दौरान जगह जगह पानी खड़े होने के सबब इन्हीं दिनों में हर साल डेंगू और मलेरिया जोर पकड़ता है। गली मोहल्लों, बाजारों, तफरीगाहों, स्विमिंग पूल, सड़कों पर मौजूद प्लास्टिक की पड़ी अशिया जिनमें पानी जमा हो जाता है, डेंगू मच्छर के अंडे और लार्वे नशोनुमा पाते हैं। यहाँ तक के घरों में मौजूद बच्चों के खिलौने, फ्रिज, एसी, एयर कूलर, पौधे, गमले, गाड़ियों के टायर, पानी के खुले टैंक, गुसल खाने में मौजूद बाल्टी और दीगर बर्तनों में भी डेंगू की अफजाइश हो सकती है। इन तमाम बातों से हम बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि खतरा सिर्फ बाहर ही नहीं घर के अंदर भी है, जिन पर नजर रखना और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना ही इस वायरस से बचा सकता है। कराची में डेंगू और मलेरिया वबा बनकर फैल चुका है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू वायरस बेकाबू हो गया है और तकरीबन हर उम्र के लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, जबकि पिछले साल के मुकाबले में इस साल डेंगू वायरस ने ज्यादा अफराद को अपनी लपेट में लिया है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि इस बीमारी से बचाव कैसे मुमकिन है और इसका इलाज क्या है। शहर में बर वक्त ऐसे कौन से इकदाम करने की फौरी जरूरत है जिससे डेंगू की बीमारी पर काबू पाया जा सके। नागरिक सेक्रेटरी जनरल पीएमए डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर सज्जाद साहब, जैसा कि आप जानते हैं और हमने डिस्कस भी किया इस चीज़ को अपनी ट्रांसमिशन पे भी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में आपने भी इस चीज़ का तस्करा किया था कि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल थी, इस वक्त बीमारियाँ वबा की सूरत हाल इख्तियार ना कर लें और अब हम ये देख रहे हैं कि डेंगू वबा की सूरत हाल इख्तियार कर गया है। हॉस्पिटल्स में जगहें कम हो गई हैं, प्लेटलेट्स लोगों को लग रही हैं, लोगों को इस बुखार के हवाले से आगाही भी नहीं है कि डेंगू बुखार होता क्या है। तो थोड़ा सा इस हवाले से बता दीजिएगा कि आवाम कैसे डिफरेंशिएट कर सकती है कि उन्हें जो बुखार है वो डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है या वायरल इन्फेक्शन है। मैं समझता हूँ कि आवाम को डिफरेंशिएट नहीं करना, डॉक्टर्स को डिफरेंशिएट करना है कि इस वक्त कराची के अंदर बुखार जो है वो टाइफाइड का भी है, कोरोना का भी है, डेंगू का भी है, नज़ला ज़ुकाम का भी बुखार है, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, मलेरिया का बुखार है, तो सब में बुखार होता है और तकरीबन सब में एक ही तरह की प्रेजेंटेशन है। हाँ, ये ज़रूर है कि डेंगू के अंदर बहुत शदीद दर्द होता है, आँख के अंदर और हड्डियों के अंदर दर्द होता है। मरीज़ कहता है कि जी ऐसा दर्द हमने कभी देखा नहीं ना सुना, इस ये किस किस्म का दर्द हो रहा है। तो ये टिपिकल कह सकते हैं कि ये डेंगू का बुखार है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि जी वो सर्दी लग रही है तो ये मलेरिया का है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि सर में बहुत शदीद दर्द है, बुखार बहुत तेज़ है और सर्दी भी लग रही है, आँख के अंदर दर्द है और जिस्म टूट रहा है और हड्डी में दर्द है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि आपको नौजिया उल्टी महसूस हो रही है, उल्टी हो भी जाती है, पेट में दर्द है, डायरिया हो रहा है, या आगे और बात दो चार दिन बाद आप नहीं प्रॉपर इलाज कराते तो इस जिस्म पे रैशेज होने शुरू हो जाते हैं, लाल लाल से धब्बे से होने शुरू हो जाते हैं, और अगर फिर भी आपने इधर उधर से कोई मालूमात करके दवा ले ली तो प्रॉपर इलाज नहीं हुआ तो फिर होता है क्या है कि डेंगू हेमरेजिक शॉक में चला जाता है, यानी कि फिर नाक से, मुंह से या जिस्म के किसी और हिस्से से भी खून निकलना शुरू हो जाता है, आँतों से शुरू हो जाता है, तो वो कंडीशन बड़ी ख़राब होती है। जैसा कि आपने पहले ही कहा कि खुद डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी किस्म के सिम्टम है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको टेस्ट सजेस्ट करेगा, उससे पता चलेगा कि आया आपको क्या बीमारी है ताकि आपका प्रॉपर इलाज हो सके। एग्जैक्टली, इसमें एक चीज़ जो आपने बताया ना टेस्ट का, अब मसला ये है कि अगर आप घर पर हैं, एक दिन बुखार हो गया तो लोग उठा के फ़ौरन एंटीबायोटिक और ये शुरू कर देते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। करना ये चाहिए कि अगर बुखार आपको है और आप समझते हैं कि अभी हम बाहर नहीं जा सकते या डॉक्टर कल सुबह आएगा या शाम में आएगा तो कल दिखाएंगे,
आप पैरासिटामोल की गोली ले सकते हैं, बड़े हैं तो दो गोली खा लीजिए, उससे बुखार उतर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाग दौड़ शुरू कर दें। आप थोड़ा सा एक दिन आराम करें, लेकिन अगर ये बुखार दूसरे दिन भी रहता है तो फिर क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर इलाज कराएं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम टेस्ट करा लें, बहुत से लोगों को बड़ी मालूमात होती है, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि लोग डेंगू का टेस्ट कराते हैं, बल्कि हमारे कुछ जूनियर डॉक्टर्स जिनको तजुर्बा नहीं है वो भी डेंगू का टेस्ट लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब सना एक चीज़ मैं बताता हूँ कि लोग जो गरीब बेचारे हैं उनको दवा लेने के लिए पैसे नहीं है, उनके ऊपर अननेसेसरीली बोझ दिया जाता है, तो डेंगू का टेस्ट नहीं लिखें, ना करवाएं, सिर्फ CBC कराएं। CBC कंप्लीट ब्लड पिक्चर होता है, जिसमें हमें प्लेटलेट्स देखने होते हैं और WBC का काउंट देखना होता है कि वो नॉर्मल है या नीचे आ रहा है। तो जब प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कम होते हैं तो आपको होशियार होना चाहिए कि कुछ चीज़ गड़बड़ हो रही है, तो फिर आप डॉक्टर से दिखाएं या घर पे आराम करें। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये एक वायरस है, वायरस का सिर्फ एक इलाज ये है कि आप आराम करें, प्लेंटी ऑफ वाटर्स, खूब लिक्विड ले लें, पानी जितना पी सकते हैं, शरबत है, दूध है, सूप है, चाय है, तो लिक्विड जितना इस्तेमाल करेंगे और आराम करेंगे तो वायरस खुद ब खुद चला जाता है। अब इस दौरान अक्सर लोग ये देखते हैं कि जी वो हमने पपीते का पत्ता पी लिया, गन्ने का फल कर लिया, ये कर लिया, तो और वो 5-6 दिन हो चुके होते हैं, तो जैसे ही वो लेते हैं तो प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो ये उसका क्रेडिट नहीं है। होता क्या है कि 5-6 दिन बाद खुद ब खुद वायरस है, वायरस का कोई इलाज ना कराएं, घर पे बैठें, पानी पिए, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, आप देखिएगा खुद ब खुद ये बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन आपको रोज़ाना CBC कराना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। अगर आप कोई भी पत्ता का जूस लेते हैं, कोई भी टोटके करते हैं, वो करते रहे, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आपको साइंटिफिकली जो प्रूवन है उसको फॉलो करना है, टेस्ट ज़रूर कराना है आपको। तो ये चीज़ें हैं, और जब अगर कोई गड़बड़ लगती है आपको, सही, अगर किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और वो ख़तरनाक हद तक, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे फिगर हैं कि इतने हज़ार प्लेटलेट्स हो जाएं तो उसके बाद फौरी तौर पे हॉस्पिटल एडमिट होना चाहिए? नहीं, अगर देखिए, अगर किसी ने 2 दिन से उसको बुखार है और दूसरे दिन उससे टेस्ट कराया तो पता चला कि जो उसके जो प्लेटलेट्स है वो 1,25,000 हो गए, 1.5 लाख नहीं है, कम हो गए, तो उसको तीसरे दिन फिर कराना चाहिए। अगर वो समझता है कि जी अब तो 100,000 से ये 1 लाख से कम हो गए, 20-30 हज़ार और कम हो गए, तो फिर उसको ज़रूर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को बताना चाहिए, कि ये ना करें कि फिर अब वो 20,000 पे आ जाए, 30,000 पे आ जाए, फिर जाके आप डॉक्टर को दिखा रहे। एक चीज़ और कि लोग ज़िद करते हैं कि जी प्लेटलेट्स लगाई जाए, हमें मेगा यूनिट्स लगाया जाए, ऐसा नहीं है, ये डॉक्टर्स की डिस्क्रिशन पे है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, बल्कि जर्नलिस्ट को जानता हूँ जो कि मेरे एडवाइस पे थे, और उनकी बेगम हमें फ़ोन कर रही थी, और उनका 10,000 प्लेटलेट्स थे, सिर्फ 10,000, वो घर पे थे और वो ज़िद कर रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की, वो हॉस्पिटल गए, लेकिन उनको कुछ नहीं किया गया, उनको मेगा यूनिट्स या प्लेटलेट्स नहीं लगाए गए, बल्कि उनको कुछ पानी दिया गया, हाइड्रेट किया गया, वो सेटल हो गए, उनको कोई मेगा नहीं लगा, और फिर दोबारा वो 1.5 लाख 1.25 लाख उनके प्लेटलेट्स हो गए। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि खुद से कोई चीज़ डॉक्टर पे प्रेशर ना डालें, आप दिखाएं तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाएं, जिसका ये शोभा है वो सही समझता है, वही आपको एडवाइस करेगा कि अब जो है आपको ये प्लेटलेट्स। सही है, जैसे आपने कहा कि बुखार की दवाई यूज़ करें, अक्सर बुखार की जो अद्वियात है पैरासिटामोल वो शॉर्ट है मार्केट में, तो लोग गलती से स्प्रीन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी बता दीजिए कि वो कितनी हार्मफुल हो सकती है। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे मैं एक चीज़ की बात करूँगा कि हमारे मुल्क में सेल्फ मेडिकेशन बहुत गलत हो रहा है, और डेंगू के अंदर बहुत से लोग इंतकाल कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो ये वायरस है, वायरस में वो इधर से उधर सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे होते हैं, ज़रा सा बुखार उतर गया तो। इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, इसमें मलेरिया का की दवा, इसके अंदर कोई इस तरह की जो एस्पिरिन या एस्पिरिन से बनी वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं, या आइबुप्रोफेन, इस तरह की दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर्स आपको बताएगा। अब रहा सवाल कि पैरासिटामोल की शॉर्टेज है, पैरासिटामोल की कोई शॉर्टेज नहीं है, हमारे मुल्क में एक ख़ास ब्रांड की बात की जाती है, उसका नाम लिया जाता है, लोगों को पता है कि शायद वही एक
दवा है जो बुखार का इलाज करता है, ऐसा नहीं है। मैंने मेडिकल स्टोर्स में खुद देखा है कि जब हम खुद भी परचेजिंग करने जाते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि जब वो जा रहे हैं तो मेडिकल स्टोर्स पे ये कह दिया गया है कि कोई ज़्यादा दवाई परचेज करे तो आपने उसे बुखार की ये मखसूस दवा दे देनी है, अदरवाइज आपने ये नहीं देनी, मना कर देना कि हमारे पास मौजूद नहीं है। लोगों को समझना है कि पैरासीटामोल बहुत सारे नामों से बिक रही है और अवेलेबल है, आप अभी भी जाके पूछें, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी कंपनियों के बनाते हैं और वो आप ले उसको, वैसे ही है तो पैरासीटामोल उतना ही फ़ायदा करता है, बुखार आपका कम करता है। वो बड़े हैं तो 2 टैबलेट ले लें, छोटा है 10 साल से कम की उम्र है, 12 साल से कम की उम्र है तो 1 ले लें। डॉक्टर साहब, इस वायरस की मियाद कितनी होती है? देखिए, जब किसी को ये मच्छर काटता है, इन्फेक्टेड मच्छर, डेंगू का इन्फेक्टेड मच्छर जब काटता है तो 3 से 4 दिन लगते हैं उसको सिम्टम होने में। तो जब वो सिम्टम हो जाते हैं तो वो बुखार ये सारा कुछ 2-3 दिन तक बहुत तंग करता है, लेकिन 4th-5th दिन ये बुखार कम होना शुरू हो जाता है और 6th दिन से प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद जो बुखार की शिद्दत और जिस्म में दर्द, उसकी कमज़ोरी 2-3-4 दिन मजीद रहती है। तो आदमी 8-10 दिन तक इसको, ये जो डेंगू है उसमें मुब्तला रहता है उसकी कमज़ोरी की वजह से, और लेकिन सही मानों में 6th-7th दिन वो इस डेंगू बुखार के असरात से निकल चुका होता है, उसके प्लेटलेट्स आ चुके होते हैं 1.5 लाख या उससे ज़्यादा हो चुके होते हैं, लेकिन उसकी उल्टी हुई या जिस्म बहुत शदीद दर्द कर रहा था, बुखार बहुत तेज़ था, तो उसके असरात उसको 2-3 दिन और रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो फिट हो जाता है अगर वो नरिश रज़ा ले, जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सब इस्तेमाल ना करें, और कोल्ड ड्रिंक है, ये इस तरह की चीज़ें ना लें, जूसेस लें, सूप लें, दूध पिए। तो किसी की गलती से ब्लडिंग हो जाए कहीं से भी तो वो फौरी तौर पे क्या कर सकते हैं? फौरी तौर पे अस्पताल पहुँच लें उसको, बिल्कुल नहीं। हाँ, नाक से उमन खून निकलता है तो लोगों को चाहिए कि ये इंडेक्स फिंगर और थंब, इससे नाक को दबा लें, या तो आप खुद मरीज़ हैं तो ऐसे दबा के रख लें और मुंह से सांस लें, तो 2-3 मिनट बाद दबा के रखें, 5 मिनट दबा के रखें तो ये बंद हो जाता है, और इस दौरान आप ट्रांसफ़र हो जाएं किसी अस्पताल में, शिफ्ट हो जाएं, लेकिन ये ना करें कि खून निकलता रहे और आप जो है वो अस्पताल जा रहे हैं तो इतना खून ना बह जाए कि आप अस्पताल जाते जाते खून की कमी हो जाए और आप खुदा ना खास्ता। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो डेंगू वायरस है इसकी भी इकसाम है मुख्तलिफ? डेंगू का वायरस जो है वो एक ही अकसाम जो पाकिस्तान के अंदर है वो एक ही अकसाम। सही, किसी शख्स को हो गया और दोबारा हो जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है? दोबारा अगर हो जाता है, अव्वल तो ऐसा बहुत कम हुआ है लेकिन हुआ है, तो ऐसा सच इतना खतरनाक नहीं है अगर आप उसकी प्रिवेंशन को समझते हैं, जैसे मैंने सारी बातें की हैं कि आप अगर पता चल गया, डायग्नोस हो गया, टेस्ट करा लिया कि जी डेंगू हो गया, दोबारा हो गया आपको, तो वो आप सारी ग़िज़ाइयत से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा दें, नींद को प्रॉपर करें, 8 से 9 घंटे रात की नींद पूरी करें, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। जो डेंगू का पेशेंट है उमूमी तौर पे ये कोई छूत से लगने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन अगर उस पेशेंट को कोई आम मच्छर भी काट लेता है और वो फिर आपको बाइट कर लेता है तो उसे डेंगू फैल सकता है? बिल्कुल फैलेगा। अगर डेंगू का मच्छर इन्फेक्टेड है, और डेंगू का जो मच्छर, उसको एडीज इजिप्टाई कहते हैं, उसका नाम दिया गया है, वो एक साफ़ सुथरा मच्छर है जो कि साफ पानी में होता है, तो आजकल बारिश हुई है तो पानी जमा हुआ है उसमें मच्छरों की अफजाइश हो रही है, मच्छरों की अफजाइश ना होने दें। देखिए, मैं ज़्यादा बात करता हूँ प्रिवेंशन पे, कि आप इलाज में मत जाएं, पाकिस्तान में यही तो प्रॉब्लम है, पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ इतनी सारी हैं उसको नहीं रोक रहे, पानी साफ दे दें आप, सब बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी मच्छर ख़त्म करें, आपका मलेरिया ख़त्म, डेंगू ख़त्म, चिकनगुनिया ख़त्म, जीका वायरस, जितनी भी चीज़ें ये सब ख़त्म हो जाएगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप मच्छर को तो ख़त्म करें, मच्छर को ख़त्म करने के लिए यही तरीका है कि जी हुकूमत के तौर पर अपने तौर पर स्प्रे कराएँ, अच्छी तरह से स्प्रे कराएँ, और आवाम जो है अगर पानी खड़ा हुआ उनके घर के आगे गली में आप नहीं हटा सकते तो मिट्टी का तेल छिड़क दें, उसकी अफजाइश नहीं होगी। लेकिन एक इन्फेक्टेड मच्छर जब वो लार्वा देता है, जब वो अंडे देता है, तो हज़ारों किस्म अंडे होते हैं, उसमें से जो मच्छर निकलता है वो सारे डेंगू इन्फेक्टेड होते हैं, अब वो कितने को काटेंगे आप समझ लें क्या होगा। तो इस वक्त सूरत हाल इसकी है और आइंदा आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा होगा, लिहाजा लोगों को चाहिए कि मच्छर के काटने से बचें, मच्छर की अफजाइश को रोकें, हुकूमत फौरी तौर पर एक जहाद करे और स्प्रे कराए पूरी जगह पे, खासकर
यहाँ कराची में और जो सैलाब जदगान का एरिया है कराची में बहुत सारे एरिया में कैंप लगे हुए, उन जगहों पे इंटीरियर सिंध में और बलूचिस्तान में एक भी जवेर, क्योंकि एक आदमी की डेथ जो है ना वो माने रखती है, और डेंगू से मर जाना बड़े अफसोस की बात है। नाज़रीन, डेंगी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम से हमें डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर उमैर वहाब साहब ने ज्वाइन किया, इनसे कुछ सवालात पूछेंगे। उमैर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, दूसरा ये बता दीजिएगा कि ख़बरें सरगर्म हैं कि डेंगी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम गैर फाल है, इसका नाम शायद चेंज हो चुका है या ये मर्ज हो चुका है, तो ज़रा इसकी तरदीद फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सवाल मुझसे पूछा। इसका सबसे नंबर वन सवाल ये है कि डेंगी कंट्रोल प्रोग्राम जो है गैर फाल नहीं, लेकिन वो एक मर्ज हो गया है, वो मिल गया है मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम से, और अब उसको डेंगी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम नहीं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, जो कि अब डायरेक्टली एक अम्ब्रेला है डीजी हेल्थ ऑफिस डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज इन हैदराबाद, उनकी अंडर एम्ब्रेला ये काम करता है। अब ये एक अलग प्रोग्राम नहीं है, ये वर्टिकल प्रोग्राम था, अब ये हॉरिजॉन्टल हो के और अब ये मर्ज हो गया है डीजी ऑफिस यानी कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के अंडर में। जो ये आपका इदारा है पूरे साल एक्टिव होता है, या स्पेशली जो मानसून का सीजन होता है इसमें, और अभी आपके पास क्या इत्तला आ रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं? जी हाँ, ये पूरे साल एक्टिव रहता है, लेकिन इसकी ब्रीडिंग जो स्टार्ट होती है वो लो ट्रांसमिशन और हाई ट्रांसमिशन होती है। जो लो ट्रांसमिशन सीज़न है वो इसका मार्च से लेके और अप्रैल तक है, और हाई ट्रांसमिशन सीज़न इसका मानसून के बाद का है। तो इसके अंदर हम लोग शुरू जो हाई लो ट्रांसमिशन सीज़न के अंदर हमने स्वीपिंग एक्टिविटी स्टार्ट करा दी थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ अफसरान जो हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी थी, और वो पॉजिटिव जो हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पॉजिटिव मरीज़ आ रहे थे, हॉट स्पॉट्स एरियाज़ जो थे हमारे ब्रीडिंग साइट्स को हमने एंटमोलॉजिकल सर्वे करवाए, और एंटमोलॉजिकल सर्वे के बाद उनके अंदर हमने स्प्रे करवाया, लार्वा साइडिंग करवाई। जो हाई ट्रांसमिशन सीजन है इसके अंदर भी जो हमारा कंटिजेंसी प्लान और हमारा एक वेक्टर बॉर्न डिजीज जो डेंगी कैलेंडर है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उनको डायरेक्शंस और उनको तमाम एडवाइजरीज जारी हो चुकी हैं और वो उस पर अमल कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाब होंगे हम, और ये क्योंकि बारिशें इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा पड़ी हैं, तो इसलिए उन बारिशों की वजह से ये थोड़ा डेंगू ज़्यादा देखने में आ रहा है। ये भी बता दीजिएगा आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आवाम से जो मेरी पुरजोर अपील है कि या उम्मीद है कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हाथ से हाथ थाम कर हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमें इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि जो लोग अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन खुद करें, और वो लोशन मच्छर मार लोशन इस्तेमाल करें, जालियां लगवाएं घरों पर और बाहर खुले आसमान पे सुबह से लेके शाम का जो वक्त है उसके अंदर ना बैठें, और साथ में जो गली मोहल्लों के अंदर अगर पानी खड़ा हुआ है तो उसको काइंडली उस पानी के ऊपर या तो बजरी डाल के उसको बंद कर दें, या फिर उसके ऊपर तेल जो मोबाइल ऑयल होता है जो गाड़ियों से निकला हुआ ऑयल होता है उस ऑयल को उस घड़ों के ऊपर या उस पानी के ऊपर डाल दें, तो उससे ये होगा कि वहाँ मच्छरों की अफजाइश नहीं होगी और लार्वा जो हैं वो मर जाएंगे। उसके अलावा अपने जो फ्रिज हैं और जो एसी के जो पानी निकलता है उनको हर रोज़ सफाई करें, एसी के जो जहाँ एसी का पानी गिरता है उन ढक्कनों को ढक के रखें, और उस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रिज के नीचे जो पानी खड़ा होता है उसको साफ़ करें, इंडोर प्लांट्स हैं उनका पानी जो है वो निकाल के रखें, उनको देखते रहें कि उसमें पानी तो नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि ज़रा से छोटे से पानी के अंदर भी मच्छर जो हैं वो अपने लार्वा या और जो अंडे दे सकते हैं और फिर मच्छरों की अफजाइश हो सकती है। इस वक्त हम सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज मज़हर खान साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, स्पेसिफिकली अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतहाई नाकस इंतजाम हैं, जगह जगह जो है वो पानी खड़ा हुआ है, और इस गंदे पानी में मलेरिया का मच्छर जो है वो परवान चढ़ता है, और अगर डेंगू की बात की जाए तो डेंगू भी पूरे शहर में फैला हुआ है, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि पूरे मुल्क में इसने एक वबा की सूरत हाल अख्तियार कर ली है तो गलत नहीं होगा।
डेंगू जो है वो साफ पानी में पैदा होता है और मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में पैदा होता है। स्पेसिफिकली KMC का जो म्यूनिसिपल सर्विसेज डिपार्टमेंट है ये किस तरीके से अपना काम कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन का, और हमेशा न्यूज़ वन जो है इस किस्म की चीज़ों को पॉइंट आउट करता है और हमारी रहनुमाई भी करते हैं आप लोग। KMC म्यूनसिपल सर्विसेज जो है मुर्तज़ा वहाब साहब की सरबराही में बहुत बेहतरीन इस पर काम कर रहा है, और डेली बेसिस पे हमारे जो हैं 30 गाड़ियाँ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में काम कर रही होती हैं जो कि डेंगू और मलेरिया के हवाले से स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा जितने भी ऐसे मकामात हैं जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, जो गंदा पानी कहीं जमा हुआ हुआ है, उस पर भी हमारी जो है केमिकल छिड़का जा रहा है ताकि इसको जो इसकी जो अफजाइश है उसको रोका जा सके। जहाँ तक आपने डेंगू का जिक्र किया तो आपको पता है कि डेंगू जो है साफ पानी में होता है, जैसे घर में किसी टप में पानी है, किसी बाल्टी में पानी है, या किसी छत पे टैंक बना हुआ है और वो उसका कोई ढक्कन वगैरह नहीं दिया हुआ, या अंडरग्राउंड टैंक है वो ढांपा हुआ नहीं है, तो उसमें डेंगू की अफजाइश होती है। स्विमिंग पूल्स हैं और पंचर शॉप्स हैं जहाँ भी ओपन पानी और साफ पानी मौजूद होता है, नर्सरीज हैं जहाँ पे जो है वो डेंगू पैदा होता है, और वाकई में ही डेंगू की जो मच्छर की अफजाइश है बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन हम मुसलसल ना सिर्फ KMC बल्कि जो सातों DMCs हैं कराची की वो भी इस पर काम कर रही हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी इस पर काम कर रहा है, और डेली बुनियादों पे ये काम हो रहा है। जैसे कि आपने खुद मेंशन किया कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर डेंगू का मच्छर नशोनुमा पाता है, स्विमिंग पूल्स अगर हो गए, नर्सरीज हो गई, टायर शॉप्स हो गई, तो उसमें भी इसी तरीके से जो है वो अद्वियात का स्प्रे किया जाता है? जी बिल्कुल, स्प्रे भी किया जा रहा है और जो स्विमिंग पूल्स हैं उन लोगों को भी पाबंद किया जा रहा है, क्योंकि पूरे कराची के लेवल पे हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इंस्पेक्टर और ऑफिसर्स मौजूद हैं जो कि इस तरीके की जो जगहें होती हैं वहाँ जाके खुद पर्सनली उनको चेक भी करते हैं। ताकि अभी कोई इमरजेंसी का नफास किया, ऐसी जगहों पे स्विमिंग पूल्स वगैरह बंद किए ताकि पब्लिक वहाँ ना जाए? हमारा कश्मीर रोड पे स्विमिंग पूल है, उसमें भी हमने मेडिसिन वगैरह डाली है ताकि उसमें कोई डेंगू वायरस वगैरह, तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते इंसानी बॉडी पे अगर कोई? नहीं, वो कोई इतना कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि वो एक वक्त के लिए थोड़ी देर के लिए होता है, और जब उसका हम स्प्रे करते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए बिल्कुल उसमें हम किसी को जाने। जैसे कि आपने कहा कि 30 गाड़ियाँ हैं आपकी, सही है, और ये कहाँ कहाँ किस किस वक्त जो है वो स्प्रे करती हैं? देखिए ये रूटीन में करती हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हम ले लेते हैं, फिर 2 डिस्ट्रिक्ट मस्जिद ले लेते हैं, फिर 2 डिस्ट्रिक्ट मस्जिद ले लेते हैं। असल में हमारे पास इसके स्प्रे के 2 टाइमिंग हैं, एक तो फजर के बाद जो है ये मच्छर निकलते हैं और इनका ये ख़ास टाइम होता है जो कि ये बाहर अपनी जगहों से जहाँ पर ये अपनी पनाह गाह बनाते हैं वहाँ से निकल के जो है ना बिल्कुल इलाकों में और खुले में फैलते हैं, वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है जो उसको उनको मारने का टाइम होता है और उस वक्त स्प्रे होता है। दूसरा, जब मगरिब की अजान हो रही होती है तो उसके बाद ये मच्छर जो है बड़े पैमाने पे अपनी पनाह गाहों से निकलता है, और वही टाइम हमारा होता है और वही हम जो है ना फ्यूमिगेशन करते हैं और इनको जो है वहीं किल करते हैं। ये जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि आपको पता है गैर मामूली बारिशें हुई हैं और जिस तरीके से पानी चला है और जो सूरत हाल बनी है, मतलब जो नाले थे वो भी 3-4 फीट ऊपर उसके पानी चला है, और ये ऐसी चीज़ है कि किसी का पूछ के नहीं काटता मच्छर कि कोई KMC का एम्प्लाई है या आम आदमी है, लिहाजा ये हम सब की जिम्मेदारी और हम सब इसको महसूस करते हैं और इस पर जो है ना कार्रवाई करते हैं। ये हर साल आता है डेंगू, ऐसा नहीं है कि इसी साल आया है, हर साल आता है, और इस दफ़ा गैर मामूली बारिशें भी हुई थी पहले से। आप समझते हैं कहीं निगलिजेंस है, कोई एहतियाती तदाबीर शायद कर ली जाती तो शायद नंबर्स कुछ कम हो जाते, क्योंकि नंबर्स कम होने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं? डेंगू जो है वो किसी गंदे पानी में नहीं हो रहा, हम नालों में से जो नालों की जो सफाई है वो गंदे पानी के हवाले से, और ये जो साफ पानी है, साफ पानी तो जिस तरह मैसर है कराची शहर में वो आप भी बेहतर समझती हैं, मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये घरों में जो बने हुए टैंक हैं या बाल्टियाँ हैं या ऐसी ओपन प्लेसेस हैं या पंचर शॉप्स हैं जो हमारे इंस्पेक्टर आजकल सबसे ज़्यादा हमने जो है टारगेट किया हुआ है, क्योंकि हर इलाके में 10-20 पंचर शॉप्स होती हैं तो वहाँ पर हमारे लोग स्पेशली उसको जो है ना टारगेट कर रहे हैं और देख रहे हैं, जाके उसको मॉनिटर करते हैं, तो वहाँ पैदा हो रहे हैं। सही, कौन से इलाके से सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही है? देखिए हमें जो है
डिस्ट्रिक्ट मलीर से काफ़ी शिकायतें मौसूल हुई थी, जहाँ हमने मुसलसल सर्वे करवाया और वहाँ पर फूमिगेशन भी हो रहा है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी काफ़ी शिकायत थी, तो वहाँ पर भी फूमिगेशन जो है बड़े पैमाने पे हमने किया है। लियारी का इलाका है, हॉक्स बे का इलाका है, वहाँ पे इसकी जो है हमने क्वांटिटी बढ़ा दी है अपने जो व्हीकल्स वगैरह भेजने की, और वहाँ पर काम। आवाम से क्या तवक्को रखते हैं आप? उनसे गुजारिश है कि देखें, ये एक ऐसी वबा है कि इसको हम सब ने मिल के इसको कंट्रोल करना है। आप नहीं समझते कोई अवेयरनेस प्रोग्राम भी इस हवाले से होना चाहिए, जो कि अब तक नहीं हो रहा? अवेयरनेस प्रोग्राम तो बहुत सारे मीडियाज पे चल रहे हैं, आप लोग भी चलाते रहते हैं, लोगों को समझने की ज़रूरत है। और अपने तौर पे जो अपने घर में जो है जालियाँ वगैरह जो हैं वो लगाएं, अपनी शॉप पे जालियाँ वगैरह लगाएं, जो ओपन प्लेस हैं जहाँ पर पानी जमा है उसको ख़त्म करें, या पानी को अगर इस्तेमाल करना है तो ढाँप के रखें। मज़र साहब से भी हमारी बात हुई और ये फ्यूमिगेशन स्केड्यूल है, ये आप देख सकते हैं, जिसके मुताबिक 30 गाड़ियां डेली किमाड़ी, सेंट्रल, मलीर, साउथ, गुलशन गाजी, गुलशन बेनज़ीर, क्वार्टर, मुशरफ कॉलोनी, दुआ रेस्टोरेंट, हॉक्स बे, ये कहां कहां निकलती हैं गाड़ियां यहां पर मौजूद है। ज़रा इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि डेली बेसिस पे ये लोग कहां कहां जाते हैं, किस टाइम जाते हैं, कितने स्प्रेज होते हैं, और जब ये स्प्रे कर रहे होते हैं तो कौन सी एहतियाती तदाबीर को मलूज़ खाते रखा था। अच्छा, मुझे बताएं ये गाड़ी कहाँ के लिए निकलती है? ये गुलशन इकबाल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, कौन जैसे डिस्ट्रिक्ट कुरंगी डिस्ट्रिक्ट, स्पेसिफिकली नहीं बताया होता कि ये गाड़ी इसी जगह जाएगी, रोज इसी जगह निकलती है? नहीं, रोज नहीं, अलग अलग मुकामात पर। कब से कर रहे हैं आप? डेढ़ दो महीने से ज्यादा। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी हो गया, कुरंगी में मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, कुरंगी, लांडी, ये चार आते हैं, उसमें अलग अलग गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो जब आप स्प्रे कर रहे होते हैं किन किन चीज़ों को मलूज़े खाते रखते हैं, क्या कोई ऐलान करते हैं? जी हाँ, पहले से हम लोग जो वहाँ के काउंसलिंग वाले जितने भी होते हैं ना, उनको हम पहले ही उनके जो नायब खासियत होते हैं उनको बोल देते हैं अपने इलाकों में जहाँ खाने पीने की चीज़ें उनको ढक दें, जो बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, जिन्हें साइनस का मर्द है, उनको एहतियात करके अंदर करें। फिर प्लस ये है कि हमारे पास ये सेफ्टी हम लोग अपने लिए, क्योंकि इंसेक्टिसाइड होती है तो ये हम लोग उसको भी लगा के मुसलसल जो है ना अपना भी केयर करना होता है ना, क्योंकि हर वक्त गाड़ी में आपके शीशे खुले हुए होते हैं, तकरीबन आधे शीशे हम लोग जो है ओपन रखते हैं ताकि फिर ऑक्सीजन भी हो ना, हम लोग ऑक्सीजन मिलेगी, दम भी घोट दे। ठीक है। अच्छा, ये मास्क आपने लगाया हुआ होता है, उसके बाद आप कितनी देर की ड्राइव होती है? ये 60 मिनट होती है, कहीं डेढ़ घंटा होती है, कहीं एक घंटा, कहीं खड्डे होते हैं। ये आपकी है, कहाँ फिल होती है दवाई, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। ये टैंक है आपका, ये इसमें, इसके साथ ही इंसेक्टीसाइड भी डलता है। अच्छा, इसमें डीजल डलता है, और प्लस उसमें 1 लीटर जो है ना वो दवाई। सही, वो अद्वियात है आपके पास मौजूद, मुझे बॉटल। सही, ये पूरी एक बॉटल डलती है इसमें, ये पूरा फिल होता है? नहीं, 40 लीटर में जो है ना ये 1 लीटर डलती है। 40 लीटर डीजल होता है जी। इसकी स्पेसिफिकेशन जितनी होती है ना, हर इंसेक्टिसाइड की अलग होती है, तो वैसे हम 40 लीटर में 1 लीटर जो है ना इसके अंदर डालते हैं। सही, और ये पूरा खत्म करके आते हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी पूरा ही खर्च, पूरा 2 घंटे में खत्म होता है ये? हाँ, 1.5-2 घंटा भी लग जाता है, फिर रेस्ट भी देते हैं, मशीनें गर्म हो जाती हैं। ये एक और ड्राइवर मौजूद है, बात करते हैं कौन से जो खास इलाके हैं जहाँ से ज्यादा शिकायत आती है। हमें किमाड़ी से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, और बल्दिया से, और रंगीटोन से, ये कच्ची आबादी है ना, तो इधर ज्यादा डेंगू फैला हुआ है, तो उधर हम ज्यादा स्प्रे कर रहे हैं। आपकी फैमिली में किसी को डेंगू हुआ है? मेरी अपनी वाइफ को भी हुआ है। तो आप तो ये स्प्रे भी करते हैं, आपको तमाम एहतियाती तदाबीर भी पता है? लेकिन मच्छर तो कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। अभी हम यहाँ दवाई मार के दूसरी जगह चला जाएगा, ये एक बंदोबस्त नहीं है। सही, कौन कौन सी जगह होती है जब आप किसी भी इलाके में जाते हैं, कहाँ कहाँ किया जाता है कचरा वगैरह जहाँ पड़ा होता है, हम वहाँ रुक जाते हैं, वहाँ थोड़ी देर करते हैं। सही है, टायर शॉप्स वगैरह होती है, टायर शॉप, पंचर की दुकानें जहाँ होती है ना, पंचर वालों पे रुक के ताकि उसके अंदर पानी भरा हुआ था ना, वहाँ खास तौर पे स्प्रे किया जाता है। उसके अलावा नर्सरीज पे, नर्सरीज मुख्तलिफ इलाकों में बनी हुई है, हम वहाँ भी करते हैं। अब मुख्तलिफ चाराएं भी हमारे पास आई हुई हैं, अब जहाँ नर्सरी बनी हुई है हम उधर भी स्प्रे कर रहे हैं। पार्क्स हैं, पार्क्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स हैं। तो ये तो गाड़ी है ना जी, तो वैसे हैंड कैरी के थ्रू भी होता है, हैंड कैरी छोड़। सही है, ये तमाम चीज़ें भी पूछेंगे, मज़र साहब से पूछेंगे कि ये तो गाड़ियाँ हैं, हर जगह गाड़ी नहीं जा सकती, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो वहाँ पर किस तरीके से स्प्रे किया जाता है। अच्छा मलिक साहब, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जो गाड़ियाँ नहीं जा सकती, हॉस्पिटल्स हो गए, पार्क्स हो गए, ग्राउंड्स हो गए, और मुख्तलिफ ऐसी जगह जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो वहाँ हैंड कैरी के थ्रू किया जाता है या कैसे किया जाता है, ये भी बता दीजिए। दूसरा,
नंबर्स बता दीजिए, अगर किसी के इलाके में बहुत ज़्यादा तादाद में मच्छर हैं, वहाँ ये केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो वो कैसे एमरजेंसी बुनियादों पर इतला दे सकते हैं? वहाँ की जो एसोसिएशंस हैं, वहाँ के जो यूसीस के लोग हैं या कंसर्न MPAs वगैरह हैं, उनको हम ऑन बोर्ड रखते हैं अपने पास, और वो वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो हमें इन्फॉर्म करते रहते हैं चीज़ें, और जब हम ये सर्वे, जब हम ये फ्यूमिगेशन वगैरह कराते हैं तो वहाँ के लोग भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। जब हम फ्यूमिगेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ ऐलानात भी करवा लेते हैं, ताकि ये जो इसका जो फ्यूमिगेशन हो रही है इसका किसी को असर ना हो। सही है, जो नाज़रीन हमारे घर बैठे देख रहे हैं और वो स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं कि जी हमारे इलाके में केसेस बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं, खुदा रहा यहाँ पे स्प्रे कराया जाए, वो कैसे रब्ता कर सकते हैं? 1199 हमारा नंबर है यहाँ का KMC का, उस पर वो अपना कंप्लेन दे सकते हैं, हम उस पर फौरी तौर पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो फ्यूमिगेशन हो रही है ये हम 3 डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से हो रही है, KMC DMC और जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ क्या किया जाता है? हैंडी जो फ्यूमिगेशन मशीन है वो कंधे पे रख के वो हम भेजते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में भेजते हैं, और बहुत सारे पार्क्स हैं जिसके अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, तो वो फिर उसको हम इस्तेमाल करते हैं और वो फ्यूमिगेशन हैंडी मशीन जो है वो जाती है, फ्यूमिगेशन करती है। किस टाइम नॉर्मली आप निकलते हैं? हम लोग असर मगरिब के दरमियान निकलते हैं, डेंगू का फिक्स टाइम यही है। तो सुबह के टाइम भी जाया जाता है, फजर तुलू पे आता है, गुरु पे आता है, हम लोग पहले करते हैं, इसलिए डेंगू का टाइमिंग यही है हम लोग इसी। कौन कौन सी जगह होती हैं खास? हमारे जितने टाउन है कराची के तकरीबन सब टाउनों में करते हैं। स्पेसिफिक कोई गाड़ी किसी एक टाउन के लिए फिक्स नहीं होती, कहीं भी चली जाती है? आपको ये इत्तला कैसे मिलती है? कोई मैसेज आता है, सुबह कॉल आती है क्या? नहीं, हमारे ऑफिसर के पास कंप्लेंट आती है, टाउन वाले करते हैं, वो हमें फॉरवर्ड करते हैं, फिर हम लोग इलाकों में इश्यूज में हम लोग पहुँच जाते हैं। अच्छा, ये जब स्प्रे कर रहे होते हैं कितनी मुजरे सेहत होती है ये दवाई? हमें टाउन में या किसी UC में जाते हैं तो वहाँ के UC के नुमाइंदे पहले से इलाके के अंदर आगाही मुहिम चला देते हैं कि इस टाइम पे फ्यूमिगेशन की गाड़ियाँ आएंगी, अपने खाने पीने की चीज़ें ढाप के रखें और गाड़ी से थोड़ा एहतियात करें, दूर रहें, ताकि ये धुआँ आपके नाक के जरिए जिस्म में ना फैले ना जाए। ये जैसे कि हमने देखा डेंगू बढ़ता ही चला जा रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, यानी कि कमी भी नहीं आ रही इसमें, तो आप क्या समझते हैं कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो रह गई हैं जहाँ करना ज़रूरी था, यहाँ या कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक दो दफ़ा से स्प्रे से कोई फ़ायदा नहीं है, मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए? ये तो हम तमाम इलाकों के अंदर सर्वे नहीं कर सकते, ये काम होता है UC वालों का, टाउन वालों का, जो के इलाकों के अंदर अपने वो इन्फॉर्म करते हैं कि उनके कौन सा इलाका ज़्यादा इफेक्टेड है, कहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स हैं, किन जगहों के ऊपर ज़्यादा ऐसे पानी ठहरा हुआ है या कोई कचरा इतना है यहाँ पे मच्छर की अफजाई ज़्यादा होती हैं, वो कंप्लेन करते हैं, तो हम उनकी व्याप के ऊपर वहाँ जाके। सही है नाज़रीन, हमने आपको एक मालूमात देने की कोशिश की कि किस तरीके से ये गाड़ियाँ आती हैं, जब आती हैं तो आप क्या एहतियाती तदबीर अपना सकते हैं, और अगर आप ये शिकायत करना चाहते हैं कि हमारे इलाके में जो है वो मच्छरों की तादाद ज़्यादा हो गई है और हमारे इलाके में भी स्प्रे होना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप यूनियन काउंसिल जा सकते हैं, THO को DHO को भी बता सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़िला ईस्ट में मौजूद हैं और ये सिविक सेंटर के अतराफ का इलाका है, और यहाँ से जो है वो ईस्ट जो ज़िला है यहाँ से केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में डेंगू के रिपोर्ट हो रहे हैं। पूरे कराची भर की बात की जाए तो रोज 24 घंटों में 100 से ज़ायद केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। एहतियाती तदाबीर जो है वो इसको फॉलो करनी चाहिए, इसलिए हम भी कोशिश करेंगे या तो मास्क पहन लें या गाड़ी में बैठ जाएं कि हमने भी एहतियात करनी है और इदारों को मिलकर भी अपना काम करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं दिखाऊँ आपको पौधे नजर आ रहे होंगे आपको, और इस तरह की नर्सरीज और ऐसी टायर शॉप्स वगैरह और ऐसी जगहें जहाँ पे पानी खड़ा होने के चांसेस होते हैं और ये जो है वो मच्छर नशोनुमा पाता है, तो वहाँ पर किस तरीके से जो है वो हैंडी के थ्रू जो है वो स्प्रे किए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो यही वो जगहें होती हैं जहाँ से इसकी अफजाइश होती है। दिनों में डेंगू वायरस इस तेजी से फैला कि ना तो आवाम को इस मर्ज से पूरी तरह आगाह होने का मौका मिल सका और ना ही इंतजामिया और इदारों ने आवाम को इस मर्ज से बचाने के लिए हिफाजती इकदामात किए। नतीजा ये निकला कि डेंगू से मुतालिक बहुत से गलत तसव्वुरात अवामी सतह पर
मजबूत होते चले गए। इन सारे हालात ने अफरा तफरी और खौफ की फिजा पैदा कर दी। हालांकि डेंगू वायरस में मुब्तला होने वाले हर मरीज की जान को खतरा नहीं होता। डेंगू की बीमारी में इंसान में मौजूद खून के सफेद खलियात खतरनाक हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन बरवक्त मर्ज की दुरुस्त तशखीस और लेबोरेटरी टेस्ट से फौरी इलाज और एहतियात इंसानी जिंदगी को तहफ़ देती है। मानसून का मौसम और बारिशें हर साल का मामूल है और डेंगू मच्छर के वार भी इन्हीं दिनों में होते हैं और इनसे बचाव हिफाजती तदाबीर है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफर में हम आपकी आवाज़ बने तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफर की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।